सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। असी टॉपिक करते पे हैं आरंभिक आकारों नूं समझना, अंडरस्टैंडिंग एलीमेंटरी शेप्स। हुण इस विच असी 5.7 अभ्यास, इहदे विच असी पढ़ना चतुर्भुज। की हुंदा है चतुर्भुज? चार भुजावां वाली बंद आकृति, ठीक है। जिस तरह तीन भुजावां वाला त्रिभुज हुंदा है, चार भुजावां वाला की हुंदा है? चतुर्भुज। इस तरह ए बी सी डी, इहदियां चार भुजावां हुंदियां, चार की हुंदे ने? कोण हुंदे ने। इहदा वर्गीकरण, इहदियां अगे किस्मां, जिस तरह त्रिभुज दियां तुसीं किस्मां पढ़ियां पिछली एक्सरसाइज विच, विखम भुजी त्रिभुज, सम दो भुजी त्रिभुज, सम भुजी त्रिभुज, ठीक है। भुजावां दे आधार ते, कोणां दे आधार ते, इस तरह चतुर्भुज दियां वी अगे किस्मां, किस्मां ते वर्गीकरण जिहड़े ते उत्ते इक वीडियो बन चुकी है, वह मैं डिस्क्रिप्शन विच उहदा लिंक देवांगा, उत्थों तुसीं उह वीडियो पहलां देख लेनी है। ये एक्सरसाइज करन तो पहला वो वीडियो जरूर देखो, उहदे विच तुहानूं चतुर्भुज दी अगे किस्मां पता लगनगी। एक समलंब चतुर्भुज हुंदा, फिर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दे फर्दर अगे किस्मां, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, ठीक है। यानी कि रैक्टेंगल, पैरलोग्राम, रोम्बस, स्केयर, ट्रपीजियम, ये सारे पहले देख लेने। हुण असी एक्सरसाइज जिहड़ी ए है, इहदे विच सब तो पहले दसो कहिंदा सच है कि झूठ है, ट्रू फॉल्स दसना है। आयत दा हरे कोण सम कोण हुंदा है, हुण आयत की हुंदी है वह वीडियो जरूर देखनी, उस बड़ा डिटेल विच एक्सप्लेन किया है। आयत जिस तरह बोर्ड है, ठीक है, जिस तरह तुहाडी है मोबाइल दी स्क्रीन है, ये भी एक की है आयत, जिहदे सामने वाली भुजावां की हुंदी है बराबर, ओपोजिट साइड्स बराबर, ते इहदा हरे कोण किन्ना हुंदा है? 90 डिग्री दा हुंदा, यानी कि सम कोण हुंदा पहला, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयत दियां सन्मुख भुजावां दी लंबाई बराबर हुंदी है, आयत यानी कि रैक्टेंगल, सामने वाली भुजावां बराबर, सन्मुख यानी कि सामने वाली भुजावां ओपोजिट साइड, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ग दे विकर्ण एक दूसरे उत्ते लंब हुंदे हन, हुण वर्ग, वर्ग यानी कि स्केयर, स्केयर दे विकर्ण यानी कि डायगनल एक दूजे उत्ते लंब, यानी कि कह रहा है जिहड़ा स्केयर है उहदे डायगनल्स विच 90 डिग्री दा एंगल हुंदा, ते ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 90 डिग्री दा एंगल ही हुंदा है, ठीक है। सम चतुर्भुज दियां सारियां भुजावां बराबर लंबाई दे हुंदे, हुण सम चतुर्भुज की है? ओह वाला चतुर्भुज जिहदियां सारियां भुजावां बराबर, ते भी उही कह रहा है, बिल्कुल सही है, सम चतुर्भुज दियां सारियां भुजावां दी लंबाई बराबर हुंदी है। समांतर चतुर्भुज दियां सारियां भुजावां बराबर लंबाई दी हुंदे, ये गलत है। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरलोग्राम, ठीक है, पैरलोग्राम दी सारियां भुजावां नहीं बराबर हुंदियां, सिर्फ सामने वालियां भुजावां बराबर हुंदियां, ये गलत हो गया। समलंब दे समांतर भुजावां समांतर हुंदियां हन, समलंब यानी कि ट्रपीजियम, ट्रपीजियम भी वह चतुर्भुज है जिहदियां सामने वाले भुजावां दे दोवें जोड़े नहीं समांतर हुंदे, सिर्फ एक जोड़ा, ठीक है। जिस तरह है ए बी सी डी, ये सिर्फ ए बी जरा बी सी डी के पैरल है, ए डी बी सी के पैरल नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे सम लंब दे समांतर भुजावां समांतर होंगे, समांतर यानी कि पैरल, ए बी तो सी डी के पैरल है, बट ए डी बी सी दी नहीं है, ठीक है। जे क्या गया एक भुजावान का एक सन्मुख भुजावान का जोड़ा सामने वाली भुजावान का समांतर, फिर सही से, ठीक है। हुण नैक्सट जरा क्वेश्चन है, नैक्सट विच कुछ सानू स्टेटमेंट दसियां, इन्हां दे कारण दसने, ठीक है। हेठ लिखियां दे कारण दसो, वर्ग नू एक विशेष प्रकार की आयत समझा जा सकता है। हुण इत्थे मैं उपर डायग्राम बना के तुहानू एक्सप्लेन करदा हां, ठीक है। ये अभ्यास हैगी है 5.7 सैकेंड क्वेश्चन। वर्ग, वर्ग नू कहिंदा असीं विशेष किस्म दा आयत कह सकते हैं। हुण आयत की हुंदा है? जिहदा हरे कोण किन्ना हुंदा है? 90 डिग्री दा। ते वर्ग विच भी हरे कोण किन्ना है? 90 डिग्री दा है। इहदा मतलब फिर वर्ग नूं असीं आयत कह सकते हैं। वर्ग एक खास किस्म दा आयत किस तरह है? वर्ग वह वाला आयत है जिहदियां सारियां भुजावां भी बराबर हन, ठीक है। आयत विच सिर्फ कोण 90 डिग्री दे हुंदे, ते जे आयत दियां, आयत हैगा मतलब कोण 90 डिग्री दे हैगे सारे, ते जे आयत दियां सारियां भुजावां बराबर हो जाण, तो वह एक की हो जाता? वर्ग, ठीक है।
तो वर्ग नूं एक विशेष प्रकार की आयत किस तरह समझा जा सकता है, क्योंकि वर्ग एक वो वाला आयत है जिहदी सारियां भुजावां की ने बराबर ने। आयत नूं एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। हुण समांतर चतुर्भुज की हुंदा है, जिहदियां सामने वालियां भुजावां की हुण समांतर हुण, आयत विच भी सामने वालियां भुजावां समांतर हुंदियां ने, इहदा मतलब आयत भी एक की है समांतर चतुर्भुज है। रैक्टेंगल इज अ पैरलोग्राम। तो विशेष किस्म का रैक्टेंगल वो वाला पैरलोग्राम है जिहदा हर एक एंगल किन्ना है 90 डिग्री है। ठीक है, आयत एक वो वाला समांतर चतुर्भुज है जिहदा हर एक कोण 90 डिग्री का है। वर्ग नूं एक विशेष प्रकार के सम चतुर्भुज समझा जा सकता। हुण सम चतुर्भुज यानी कि रंबस, वर्ग नूं असीं रंबस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वर्ग एक वो वाला सम चतुर्भुज है जिहदा हर एक कोण किन्ना है 90 डिग्री। उस तरह रोंबस यानी कि सम चतुर्भुज की हुंदा जिहदी हर एक भुजा बराबर होए। कोण दे बारे नहीं गल कीती, ते जे हर एक कोण 90 दा हो जाए फिर वो की सम चतुर्भुज नूं असीं वर्ग कहांगे। ठीक है, स्केयर इज़ अ स्पैशल टाइप ऑफ रोंबस इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। इस तरह असीं जिहड़ा वर्ग है, देखो वर्ग नूं असीं आयत भी कह सकते हैं ते वर्ग नूं असीं सम चतुर्भुज भी कह सकते, यानी कि स्केयर इज अ रैक्टेंगल एज वैल एज रोंबस। वर्ग आयत ते समांतर चतुर्भुज विचों हर एक एक चतुर्भुज भी है। वर्ग आयत ते समांतर चतुर्भुज यानी कि स्केयर रैक्टेंगल एंड पैरलोग्राम ये सारे कोआर्डिलेटर्स है। सारे कोआर्डिलेटर क्यों कोआर्डिलेटर है, क्योंकि सारे हर एक दियाँ चार भुजावां ने। तो की रीज़न आएगा, वर्ग आयत ते समांतर चतुर्भुज हर एक चतुर्भुज है क्योंकि हर एक दियाँ चार भुजावां, जां हर एक की है चार भुजावां दी बंद आकृति है। ठीक है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज वो हुंदा है जिहदियां सामने वालियां भुजावां समांतर होण, ते वर्ग विच भी सामने वालियां भुजावां समांतर है, तो इस करके वर्ग एक की है समांतर चतुर्भुज, यानी कि स्केयर इज अ पैरलोग्राम। ठीक है, हुण जिहड़ा थर्ड क्वेश्चन है, एक बहुपुज सम हुंदा है जेकर इस दियां सारियां भुजावां बराबर होण अते सारे कोण बराबर होण, की तुसी सम चतुर्भुज दी पहचान कर सकते हो। हुण देखो सम बहुपुज की हुंदा है, सम बहुपुज यानी कि सम बहुपुज नूं असीं कहिंदे रैगुलर पॉलीगन, रैगुलर पॉलीगन। ठीक है, हुण ये जिहड़ा है एक कदों किसी पॉलीगन नूं रैगुलर यानी कि बहुपुज नूं सम असीं कदों कहिंदे जदों उहदियां सारियां भुजावां ते सारे कोण बराबर होण। हुण किसी सम चतुर्भुज मतलब क्वाडीलेटरस विचों रैगुलर किहड़ा है, किहड़ा ऐसा क्वाडीलेटर जिहदियां सारियां साइड्स ते एंगल बराबर है, यानी कि किहड़ा ऐसा चतुर्भुज है जिहदियां सारियां भुजावां बराबर है ते सारे कोण बराबर ने, ते ओह किहड़ा है, स्केयर। स्केयर यानी कि रोंबस, सॉरी वर्ग। ठीक है, वैसे रोंबस जिहड़ा है, रोंबस नूं असीं पंजाबी च कह लैंदे आ सम चतुर्भुज। इहदियां हर एक भुजावां बराबर है बट हर एक कोण बराबर नहीं है, ते रैगुलर पॉलीगन उही है जिहदा जिहदियां सारियां भुजावां भी बराबर ते सारे कोण भी बराबर, ते ओह किहड़ा है फिर, वर्ग यानी कि स्केयर, क्योंकि इहदियां सारियां भुजावां भी बराबर ते हर एक कोण भी बराबर। हर एक कोण किन्ना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो उन्हें पूछा है कि तुसीं सम चतुर्भुज इस रैगुलर कोआर्डिलेटर की पहचान कर सकते हो, तो रैगुलर कोआर्डिलेटर किहड़ा होएगा, वर्ग होएगा। क्लीयर, ये सी तुहाडी अभ्यास 5.7। ये तां ही कर सकते जे तुहानूं वर्गां चतुर्भुज दीआं किस्मां बारे पता है, तो उहदा फिर मैं कह रहा डिस्क्रिप्शन में उहदा लिंक मैं दे देवांगा, वो वीडियो पहला जरूर देख लेनी फिर ये देखनी फिर तुहानूं ये समझ आएगी। क्लीयर, उहदे विच बड़ी डिटेल विच असीं टाइप्स ऑफ कोआर्डिलेटर डिस्कस किया है, वो वीडियो जरूर देखो। धन्यवाद सारिआं दा।